थू थू थू, पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली, आज दिन में पानी नसीब होगा या नहीं होगा, यह डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। थू थू थू, साले सवेरे सवेरे मनहूस लोगों की मनहूस शक्ल देख ली, पता नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं अहमदनगर बस स्टेशन, और यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और जाएंगे जो सदाशिव जी का गांव है वहाँ तक। यहाँ से मिलेगी हमको बस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बस का लुक होता है। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली, आज दिन में पानी नसीब होगा या नहीं होगा, यह डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर अमरापुर नामक गांव में। जी हाँ दोस्तों, ये जो डायलॉग है एक बॉलीवुड के बहुत ही खतरनाक विलन का जो रोल करते थे उनकी डायलॉग है, उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। जी हाँ दोस्तों, उनका ही ये डायलॉग है, और जिस गाँव में हूँ अमरापुर नाम है, ये उनका ही गांव है। तो आज की वीडियो में हम जो है सदाशिव अमरापुर का गांव दिखाने वाला हूं, उनका जो पैतृक घर है वो दिखाऊंगा, और स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि बॉलीवुड में उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनका जन्म जो है 1950 में हुआ था, उनकी डेथ जो है 2014 में हो गई थी। दोस्तों उन्होंने सड़क फिल्म में महारानी का रोल निभाया हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। उन्होंने फिल्म की शुरुआत मराठी फिल्मों से शुरुआत की हुई थी, काफ़ी सारी मराठी फिल्में भी उन्होंने की थी। सबसे पहले मराठी फिल्म उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरू की थी, तो उनमें उन्होंने वीर सावरकर जी का जो है किरदार निभाया हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जो है सदाशिव अमरापुरकर जी की पैतृक गाँव को दिखाएँगे, और यहाँ के लोगों से पूछेंगे वो कैसे थे, कब यहाँ से गए, कहाँ पढ़ाई किए, पूरा उनके जीवन का जो बायोग्राफी है हम उनके गांव में लोगों से बात करकर बताएंगे। तो बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है उनके गांव का मेन चौराहा, इधर आप देख सकते हो फालूदा जो शिव शक्ति लिखा हुआ है, इसके पीछे अमरापुर लिखा हुआ नेम प्लेट, यह चौराहा। अभी गाँव की तरफ हम चलेंगे। अभी दोस्तों हम गाँव पे थे और भैया हमें मिले हैं। भैया आपका शुभ नाम? प्रमोद से। तो सदाशिव जी को आपने देखा यहाँ पे पहले कभी? पहले ले। हाँ आए। अच्छा जब आते थे तो कैसा व्यक्ति था उनका, मतलब व्यक्तित्व कैसा था उनका? बहुत अच्छे थे। हाँ व्यक्तित्व अच्छा था। मुलाकात हुई कभी आपने? नहीं नहीं, हम छोटे थे तो। अच्छा छोटे थे। अच्छा कितने साल पहले आए होंगे लगभग? कम से कम 25-30 साल हो गए। अच्छा उनकी कोई फेवरेट फिल्म आप बताइए जो सबसे ज़्यादा फेवरेट? सड़क 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 मूवी का महारानी वाला किरदार। और कुछ उनके बारे में जो पता हो? यहाँ कब वो चले गए ऐसा कुछ आया, जैसे घर में आपके पिताजी उन्होंने बताया कि यहाँ से कब वो लोग चले गए? वो बहुत पहले चले गए, उनके पुराने लोग बचपन में जी उस टाइम वो चले गए। अच्छा ऐसा भी सुनने में आया था कि गांव वालों के लिए तुम यहाँ पे फिल्म के एक्टिंग के लिए प्रदर्शनी वगैरह बनाने वाले थे, म्यूजियम वगैरह बनाने वाले। तो अभी उनके कोई परिवार का यहाँ पे नहीं रहता? नहीं कोई नहीं रहता। अच्छा एक अंकल एक बात बताइए, अगर ये उनके परिवार तक वीडियो पहुँचेगा तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो बहुत अच्छे थे, मन मिलोई थे, गांव को अच्छा सपोर्ट करते थे। तो चौराहे से जस्ट अभी जब अंदर की तरफ आओगे तो आपको एक गेट मिलेगा, यहाँ पर यात्रा भी चलती है जैसे कि आप देख सकते हो श्री भैरव नाथ यात्रा उत्सव, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है अमरापुर, इधर यह रास्ता गांव की तरफ गया है, यहाँ पर लिखा है अमरापुर 0 किलोमीटर, अमरापुर सुल्तानपुर स्वामन गाँव।
दोस्तों ये है सदाशिव जी का गांव, आप देख सकते हो। मैं रोड से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इधर झाड़ हो गया इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके एक दोस्त हैं, उनकी दुकान पर जा रहे हैं, बोल रहे कि वो सारा कुछ जितना पूछोगे वो बता देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनकी दुकान पर, और यहाँ से अहमदनगर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 55 किलोमीटर, तो अहमदनगर यहाँ से 55 किलोमीटर है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन में मैं काम करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरा ये था कि मैं क्या बोलते हैं समाज कार्य में मैं था, तो मैंने आमरापुर में बहुत 500 से ज़्यादा रास्ता रोको आंदोलन किए मैंने। अच्छा, तो क्या हो गया कि मेरा पेपर में न्यूज़ होगा डेली आता था, तो सदाशिव आमरापुर कर मुझे मालूम था कि वो आमरापुर के है, लेकिन उनकी और मेरी कुछ पहचान नहीं थी। अच्छा, फिर एक बार क्या हो गया कि वो जो सौंदाला है, सौंदाला तालुका निवास है, वहाँ के वो बाबा अरगड़े, तो बाबा अरगड़े अंधश्रद्धा निर्मूलन में कमिटी पे काम करते थे। अच्छा, बाबा अरगड़े, सदाशिव आमरापुरकर, नीरू भुले और डॉक्टर श्रीराम लागू ये साथ में काम करते थे। फिर एक दिन सदाशिव आमरापुरकर जी ने बाबा अरगड़े को कहा कि आमरापुर में जो कोई राम भक्त पड़ेगा नगर में बुला लो। अच्छा, आपका नाम लिया? मेरा नाम लिया। और फिर रात को 8-8:30 बजे एक दिन मुझे फोन आ गया बाबा अरगड़े जी का। बाबा अरगड़े हमारे मित्र थे, पार्टी के मेंबर थे। अच्छा, फिर जब फोन आ गया तो मुझे एकदम शॉक लगा, क्योंकि कभी मैं मिला नहीं था आमरापुर में, वो कभी आए नहीं थे। फिर वो उन्होंने बोला कि सदाशिव आमरापुर का आ रहे नगर में, तुम मीटिंग में आ जाओ, सुबह 10 बजे मीटिंग है नगर में मार्केट यार्ड हमारे भवन में मीटिंग है। तो फिर मैं वहाँ गया, मैं 1 घंटा पहले गया वहाँ। अच्छा, मैंने वहाँ देखा तो वहाँ तो कुछ नहीं था, फिर एक होटल वाला था, वहाँ एक होटल था चाय का, मैंने वहाँ चाय ली और मैं बोला कि वो जो हमाल भवन है मार्केट यार्ड का, तो यही है क्या? तो बोले यही है हमाल भवन। फिर बोला यार सदाशिव आमरापुरकर आने वाले वो मीटिंग है वगैरह, वो सब मेरे को देखते रहे। अच्छा, वो बोलते हम यहाँ रहते हमको कुछ मालूम नहीं और ये क्या है। फिर बाद में एक आधे घंटे में सदाशिव आमरापुरकर बाबा अरगड़े वो आ गए सर, आ गए, 2-3 लोग आ गए। फिर मुझे देखा बाबा ने, तो फिर वो ऊपर चले गए सीढ़ी से। हाँ, फिर मैं उनके साथ गया तो रूम का दरवाज़ा फिर लॉक किया, वहाँ कोई नहीं था। मैं बाबा अरगड़े और सदाशिव आमरापुरकर, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं आमरापुर का हूँ या कुछ। अच्छा, तो वो सब टेबल वगैरह वो झटक रहे, सदाशिव आमरापुरकर जी ने खुद वहाँ का एक लोटा लिया, वो तांबिया बोलते हैं हमारा, लोटा लिया, उस ग्लास था वो सब वो धो रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे मैं जा रहा था उनके पीछे पीछे, वो सब साफ सफाई वो बाबा अरगड़े और सदाशिव आमरापुरकर खुद दोनों वो हमल भवन साफ करने लगे। अच्छा, खुद वो साफ करने लगे। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं उनके साथ बातचीत भी किया। फिर मैं बाबा को बोला हमारी पहचान कर दो। अच्छा, तो बाबा ने बोला तुम्हारी पहचान तो तुम एक गप्पे मारते थे। मैंने बोला उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर वो सदाशिव आमरापुरकर जी नीचे वो पानी भर रहे थे, वो लोटे में पानी भर रहे थे, और मैं वहाँ खड़ा रहा था, और बाबा जी बोले कि ये लड़का है वो आमरापुर का। अच्छा, तो फिर वो खड़े रहे और बोले तुम ये क्या और फिर वहाँ से हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा, तो फिर वहाँ क्या हो गया कि वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर थे, उनका नाम मेरे ख्याल से लवांडे ऐसा कुछ था,
उनका एक काम था कि रूरल अर्बन अच्छा रूरल अर्बन मतलब जो ग्रामीण भाग है, पहले अभी जो ग्रामीण भाग में जो शेत तालाब बोलते हो, शेत तालाब बोलते हैं, कुछ शेत तालाब बोलते हैं, वैसा वो ग्रामीण भाग में हमारे नगर डिस्ट्रिक्ट में कहा भी नहीं था और मालूम भी नहीं था वो कैसा है क्या। लेकिन वो सोलापुर के पास एक अंकोली गाँव है, अच्छा वो अंकोली के एक सदा शिव अमरापुरकर जी के दोस्त थे, उन्होंने वहाँ एक वाटर बैंक बनाया था। वाटर बैंक ऐसा बनाया था कि 2 एकड़ जमीन में वो क्या कर रहे थे कि 2 एकड़ जमीन वहाँ उन्होंने क्या किया कि पूरा जो गांव है तो पूरा गांव का जमीन किसी का अगर 1 एकड़ है, 1 बीघा है तो उसमें से 1 गुंठा थोड़ा थोड़ा लेकर वो सबके मोज माप करके वो जमीन 2 एकड़ सबके बीच में उन्होंने वाटर बैंक बनाया। तो वहाँ 40 दिन 2 JCP लगे थे। अच्छा फिर तो वाटर बैंक बनाया और जिसके जिसके खेत में कुछ बावड़ी है या कुछ बोरवेल है तो वहाँ से वो पाइपलाइन वाटर बैंक में करने की। और जैसे कि हम बैंक में पैसा डालते जब हमारे बैंक पॉकेट में ज़्यादा पैसे हो जाते तब हम बैंक में डालते और जब हम जरूरत पड़ती है हमें तो निकाल लेते। तो वैसा वो वाटर बैंक था। तो हमने जो अभी पावसाला चालू हो गया तो पानी ज़्यादा होता है तो वो क्या करते थे सब किसान उस वाटर बैंक में पानी डालते थे अपने और स्टोर करने के बाद जब उनको जब धूप यूज करना रहता था तो उसे यूज कर लेते थे, तो उसको यूज करते थे। तो वैसे वो वाटर बैंक बनाया था। फिर वहाँ के लोग जो उनका कहना था, अभी मैंने वो देखा नहीं लेकिन उनका तो कहना था कि वहाँ सब लोग गांव छोड़ के जाते थे धूप के दिन। अच्छा हाँ, वहाँ कुछ नहीं था लेकिन बाद में क्या हो गया उस अंकोली में सोलापुर के पास से बाद में उन्होंने जो वाटर बैंक बनाया और वाटर बैंक से ऐसा हो गया कि वहाँ सब फूल फल जाड़ जो फल का जो उत्पादन होता है वैसे वो पेड़ लगाया उन्होंने और वाटर बैंक से वो पेड़ को पानी देते रहे और उनका उत्पन्न चालू हो गया। और चालू हो गए तो फिर सब लोग जो बाहर जो जाते थे काम वो नहीं जाते वो नहीं जाते अभी वो गांव में आ गए। अच्छा वो बैंक बनवाया था सदाशिव जी ने बनवाया था क्या? सदाशिव अमरापुरकर जी के दोस्त थे। अच्छा अरुण बनकर अच्छा उन्होंने बनवाया था। अच्छा एक चीज अंकल मुझे पता चली, आपने उनको यहाँ पे बुलाया था इस जगह पे, तब कैसे बात हुई थी क्या कुछ? नहीं फिर क्या हो गया वो बाद में हमारी मीटिंग हो गई, वो सब लोग आ गए मीटिंग हो गई। फिर अमरापुर गंजी ने मुझे कहा कि मेरा नंबर लिया। अच्छा मैंने उनका नंबर लिया। फिर वो मुझे किताब भेजते थे। अच्छा वो जो किताब उनके पास जो अच्छे अच्छे किताबें थी। अच्छा आपके पास भेजते थे? हाँ वो मुझे भेजते थे। और कोई आंदोलन अगर कोई आंदोलन चलता होता देश में या कोई अच्छा तो उसका सब न्यूज मेरे को भेजते थे। और वो कहते थे कि अमरापुर जो गांव है आगे मुझे याद है कि खत भेजा था उन्होंने, मैं उनको साहब बोलता था। अच्छा हाँ साहब, तो उन्होंने बोला मुझे साहब नहीं निकले लिखने का क्योंकि वो अमरापुर जो है वहाँ की जमीन वहाँ के लोग वहाँ के पशु गाय महज बैल ये सब उनमें कुछ मेरा अधिकार है तो तुमने मुझे साहब नहीं बोलने। अच्छा आप जब लेटर भेजे थे तो फिर उनका मुझे लेटर आता था, फिर हमारी बहुत जान पहचान ज़्यादा बढ़ गई। तो अंकल आपके पास लेटर रखे भी होंगे अभी तक? अभी लेटर होंगे तो मैं आपको मोबाइल में आप मिलेंगे ना तो कभी कभी मिलते हैं, अभी ज़्यादा दिन हो गए। अच्छा आकार तो मोबाइल में व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप कर देंगे अंकल जी। कितने बार आए हुए हैं गाँव पर? वो जब नगर में आते थे ना तो मुझे बुला लेते थे। अच्छा मैं नगर में जाता था वहाँ हम बैठते थे दिन भर बातें करते थे। और फिर कभी भी मेरा कुछ आंदोलन वगैरह होता था ना रोड पे
अच्छा। किसान की कोई समस्या हो। अच्छा अंकल जी कभी शूटिंग वूटिंग करते थे तो बुलाते थे सेट पे आपको? नहीं देखने नहीं गया, वो आरा रावा की जो शूटिंग चल रही थी ना। अच्छा। तो मैं उन्होंने मुझे बोला कि वो जो जलगांव है ना उधर वहाँ ज़्यादा शूटिंग चलता है। अच्छा। तो शूटिंग चल वो शूटिंग देखने के लिए नहीं लेकिन वहाँ का परिसर वहाँ क्या होता है क्या काम करना चाहिए। अच्छा। इसीलिए वो मुझे एक बार बोले थे कि हमारे साथ चलो हम उधर दिखाएंगे कैसा होता है। अच्छा अंकल ये भी सुनने में आया था कि वो यहाँ पे सिनेमा प्रेमियों के लिए कुछ बनाने वाले थे म्यूजियम टाइप का फिल्म के लिए और घर भी लेना चाहते थे यहाँ जगह वगैरह यहीं बिताना चाहते थे आखिरी का समय। वो होगा उनका उनके दिल में क्या है लेकिन उनका जो कहना था कि अब फिल्म सिटी का काम बंद करके वो नगर में आना चाहते थे। नगर अच्छा। अच्छा अहमदनगर। हाँ अहमदनगर यानी अमरापुर हो या पूरा डिस्ट्रिक्ट हो इधर के लोगों के साथ उनको रहना था। अच्छा। अपने लोगों के साथ अपने लोगों के साथ मिलना बैठना ऐसा उनकी सोच थी। तो अंकल जी आपको सबसे उनकी पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है? पसंदीदा फिल्म वो तो सभी फिल्म हमको तो पसंदीदा लगती है क्योंकि वो हमारे गांव के थे कि बाद में हमारे जो दोस्ती बन गए तो अच्छा। हमको सभी कौन सा भी आ गए तो हमें अच्छा ही लगता था। अच्छा उनकी 2014 में 3 नवंबर को शायद उनका निधन हो गया तो फिर अमरापुर पर गांव में कैसा लग रहा था? फिर क्या हो गया कि उनको जब उनका निधन होने के पहले उनका निधन होने के पहले की बात है जब उनको बीमार पड़ गए तो मेरा फ़ोन हो गया उनको तबीयत वगैरह मैंने पूछा था वो बोल रहे थे अच्छा है वगैरह और उनके साथ एक विजय देवकर नाम के वो अटपड़ी तालुका है ना। अच्छा। वहाँ के विजय देवकर है तो विजय देवकर और वो साथ रहते थे मुझे अमरापुर के साथ विजय देवकर रहते थे तो विजय देवकर के साथ रहते थे तो विजय देवकर ने उन्होंने जब अमरापुर कर बीमार पड़ गए ना तो विजय देवकर को उन्होंने फोन लगाया कि अब मेरा कुछ अच्छा नहीं है मैं अब इधर ये ज़्यादा मुझे मैं बीमार पड़ गया और तू क्या कर रहा है उधर गाँव में तू जल्दी आ तो वो जल्दी आ गया। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था विजय देवकर जी ने भी और वो मुझे कब बोला विजय देवकर ने जब अमरापुर कर जी का निधन हो गया हम वहाँ गए थे। अच्छा मुंबई। तो उन्होंने हाँ मैं मुंबई भी गया था उनको मिलने को। अच्छा। एक बार जब वो हॉस्पिटल में थे लेकिन वहाँ हमें मिलने नहीं दिया तो ICU में थे। बाद में जब उनका निधन हो गया तो मैं यहाँ नहीं था मैं उधर अंबड़ में था उधर गांव में गया था मैं अंबड़ जाल उधर तो मुझे सुबह सुबह 4 बजे फोन आया था विजय देवकर जी का उन्होंने कहा भाई मैं वहाँ से आया उधर अमरापुर में आया सुबह 8 बजे यहाँ आया यहाँ पत्रकार वगैरह यहाँ सब आए थे। अच्छा। और हाँ यहाँ मुलाकात वगैरह थी सब में गांव के लोगों का और उनका ज़्यादा परिचय नहीं था क्योंकि वो अभी काम में जुटे थे तो उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता लेकिन उनको उनका एक था कि जैसे कि अब मैं हूँ मेरे को क्या लगता मेरा नाम का वहाँ पे आना चाहिए या कुछ। अच्छा बहुत तो, गांव से बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव था अपना। हाँ लगाव था लगाव था। अभी उनके परिवार का मेंबर भी कोई होगा? हाँ इधर वो सब नगर में रहते नगर में रहते। अंकल जी उनका घर भी यहीं से होगा गांव में? उनके दादाजी यहाँ से गए थे। अच्छा दादाजी गए थे तो यहाँ उनका घर है या नहीं उनके जो संबंधी थे ना वो संबंधी वालों को दे दिया होगा उन्होंने घर कुमरा हो या ऐसा कुछ जब हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे और उनके भी पिताजी पैदा नहीं हुए थे तब से हो गए। अच्छा ये जो अमरापुर का जो सरनेम है ये गांव की वजह से लगा या कोई? ये गांव की वजह से लगा गांव की वजह से लगा गांव की वजह से लगा सदाशिव अमरापुर का।
अच्छा यहाँ के उन्होंने कई नाटकों में भी काम किया, मराठी में भी काम किया। शुरुआत मराठी फिल्मों या नाटकों से ही किया था उन्होंने? हाँ, शुरुआत नाटकों से की थी उन्होंने, और नाटक के बाद वो फिर बोले उनके सब रीमा जी वो सब हमको पहचानते हैं, हम उनको एकदम। अच्छा, अभी उनके परिवार के लोग भी जानते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको जो है अंकल जी का जो इंटरव्यू है वो मैंने आपको दिखाया, उनके यहाँ पे शॉप भी आप देख सकते हो। ये शॉप है महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से। ये अंकल जी ओनर, जो कि सदा शिव जी के करीबी रहें, उनके दोस्त रहें, यह उनकी शॉप है। और यहाँ पर आप जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, ये देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया बॉलीवुड के बहुत ही खूंखार विलन कह सकते हैं, जिन्होंने अपने विलन के किरदार को ऐसा बनाया कि जिससे वो सभी के दिलों पर राज कर गए। दोस्तों, अभी मैं उनके गाँव में हूँ, जो कि उनके गांव का नाम है अमरापुर। और ये जो रास्ता देखो ना, ये रास्ता गया सेव गांव, जो कि इनके गांव के ऊपर जैसे अपने ग्राम पंचायत होते वैसे सेव गांव है। इधर जाओगे तो अहमदनगर यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहां पे आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो आस पास में है नहीं। या फिर अहमदनगर जाओ या फिर औरंगाबाद जाओ। तो अभी हम अंकल जी के पास आए हुए थे, लोगों ने बताया था कि उनके दोस्त करीबी मित्र हैं। तो अंकल जी का आप लोगों ने, दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, जो सदाशिव जी के जो मित्र थे अंकल जी, उन्होंने इंटरव्यू में पूरा बताया कैसे उनकी मुलाकात हुई, कैसे उनकी दोस्ती हुई, काफ़ी करीबी रहे। उनका ये यहाँ पर दुकान है महालक्ष्मी ट्रेडर्स। तो अगर आप आस पास से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और आप लोगों ने इनकी डायलॉग्स तो देखी होंगी, मैंने शुरू में एक डायलॉग बताया था, और उनका एक और डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस था, वो वाला डायलॉग था, पैसों के मामले में मैं इतना ज़्यादा कमीना हूँ, ऐसे करके डायलॉग था। वो बहुत ही प्यारा लगता था। उनकी बहुत सी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी, पॉपुलर तो वो हुए थे सड़क मूवी से, जिसमें उन्होंने महारानी का किरदार निभाया हुआ था। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।